तो आज का मैच लीजेंड रैंक ओपोनेंट के साथ, ओपोनेंट है यहाँ पे सैयद भाई जो कि लीजेंड वन प्लेयर है। और हाँ भाई, शुरू करने से पहले बता दें, अगर भाई आप लोगों को भी ये वाइट जर्सी का प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट के बाद, तो आप जो है जर्सी पैक डाउनलोड कर ले, ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। अब चलो शुरू करते हैं यहाँ पे चैलेंजिंग मोड का गेम प्ले। और हाँ भाई, पहले यहाँ पे टॉस जीत के हमने किया है बैटिंग का फैसला। अब जो है वो फैसला ठीक है या नहीं है वो तो अब पता चलेगा आगे, देखते हैं क्या होता है। अगला गेंद आ रहा है, यहाँ पे भाई क्या लगता है कितने रन मिलेंगे? अरे यार, फील्डर काफ़ी तेज तर्रार है, रोक ही लिया गेंद को। इस बार क्या लगता है भाई, अब मिलेगा चौका? अभी भी नहीं भाई साहब, अभी भी चौका नहीं मिलेगा, अभी भी बस दो रन से ही काम चलाना होगा। यहाँ पे कितने रन मिल सकते हैं हमें? तीन रन मिल सकते हैं, चलो भाई फिर ले लेते हैं। 11 पे पहुंचे हम, यहाँ पे चौका मिलेगा तो चलो। पहली ओवर काफी अच्छी रही चैलेंजर मोड के लिए, एक ओवर में 15 रन। अच्छे अच्छे ओपोनेंट के साथ खेलते हैं ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, तो यहाँ पे हमें भी भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। और चलो अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे। 17 रन पे पहुँचे हम, एक ओवर एक गेंद, शुरुआत हमारी काफ़ी अच्छी थी। अगला गेंद, यहाँ पे कितने रन आएंगे? यहाँ पे एक ही रन आएगा, दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं करनी है, खामखा विकेट विकेट अगर गया तो मरेंगे। अब ये बहुत ही बढ़िया गेंद, डेढ़ ओवर 18 रन 0 विकेट। इस वाले गेंद पे क्या हो सकता है? यहाँ पे मैंने स्ट्रोक शॉट खेला, एक रन के लिए जाएंगे हम। अगला गेंद, पीछे की ओर खेल दिया, दो रन आ सकते हैं। 21 रन पे पहुंचे, एक ओवर 5 गेंद। नेक्स्ट बॉल, चलो ये बहुत ही बेहतरीन शॉट है और यहाँ पे मिलेंगे हमें 6 रन। हम पहुँचे सिर्फ दो ओवर में 27 रन पे। यहाँ तक भाई बहुत ही बढ़िया थी अपने बल्लेबाजी, और ये जो बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी थी ना, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो जितना हो सके ना उतना बड़ा स्कोर करते हैं। और यहाँ पे अब वही गलती हमने कर दी, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट बॉल पे। यहाँ पे दो रन लेंगे हम, 29 पे पहुँचेंगे, दो ओवर दो गेंदे 29 रन 0 विकेट। देखते अगला गेंद कहाँ पे आता है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पे मुझे लगा कि शायद कटर या स्विंग करे, पर इन्होंने डाला रिवर्स। और ये देखो, ये भारी भारी गलती भाई, ये भारी गलती, यहाँ पे मिस हुआ टाइमिंग और कैच चला गया। ज़रूरत नहीं थी ऐसे शॉट खेलने की, इससे अच्छा था मैं स्ट्रोक शॉट ही खेल लेता। अब एफ एलन को लाएंगे हम मैदान में, एक तरफ अपना विराट कोहली भी है। अब अगला गेंद, यहाँ पे कितने रन आ सकते? दो रन आ सकते हैं। 31 पे पहुँचेंगे हम, दो ओवर 5 गेंद 31 रन 1 विकेट। देखते हैं नेक्स्ट बॉल पे क्या होता है। और भाई ये भी गलती, यहाँ पे भी एज जो है वो लगाया और विकेट जाएगा, कोहली भी आउट होंगे 24 रन बनाकर। बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे भी। अब नया बॉलर है क्रिश वॉक्स, तीन ओवर हो चुके हैं अभी, हम पहुँचे 31 पे, गेंद खाली। और यहाँ पे वार्निंग भी दे देंगे अंपायर। अगला गेंद, और भाई यहाँ पे लकी रहे, एक रन मिलेगा, दो रन मिलेंगे। 33 पे पहुंचे हम, तीन ओवर दो गेंद 33 रन 2 विकेट। अगला गेंद, और यहाँ पे भाई कितने रन हो सकते? एक ही हो सकता है, यहाँ पे दूसरा लेना बेवकूफ़ी होगी। 34 पे पहुंचे, तीन ओवर 4 गेंद 34 रन 2 विकेट। और भाई इस बार ना भाई, पता चले उससे पहले गेंद निकल गया। क्रिश वॉक्स का गेंद भी बहुत भाई बाद में शो हो रहा। यहाँ पे 4 रन मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, फील्डर पहुँच जाएगा, तीन रन ही ले पाएंगे हम। 37 पे पहुँचेंगे, तीन ओवर 5 गेंद 37 रन 2 विकेट।
देखते हैं अब नेक्स्ट बॉल क्या होता है। और भाई ये भी कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो गेंद खाली। चार ओवर में हम 37 पे पहुँचे भाई, दो ओवर में 27 पे थे और चार ओवर में 37, मतलब लास्ट दो ओवर में सिर्फ 10 रन ही मिले। और अभी जो ओवर है वो है शमशी का, तो ये भी भारी पड़ सकता है। यहाँ पे हमने अच्छे से शॉट खेला है पर रन सिर्फ एक ही ले सकते हैं। वन बाउंस सीधा गेंद जो फील्डर के हाथ में चला गया, दूसरा ले सकते थे पर मैंने सोचा रिस्क नहीं लेने। अब देखते इस वाले गेंद पर क्या होता है। यहाँ पर मैंने फिर से एक रन निकाला, फील्डर एकदम सही पोजीशन पे रखा है, उनको पता है कि मैं यहाँ पे ये शॉट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने एक फील्डर रखा है। और भाई यहाँ पे विकेट गया, 39 पे थर्ड विकेट, सैमसन आउट हुआ। चार ओवर 3 गेंद, 39 रन 3 विकेट। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे अपना बल्लेबाज है डू प्लेसिस। ये क्या है यार, ये नहीं लगा। चलो नॉट आउट है, पर यार वो शॉट क्यों नहीं लगा। बैंड बजी भाई, बैंड बजी। देखते हैं भाई लास्ट बॉल चल रहा है अब। ओ भाई कुछ नहीं होने वाला। चलो भाई 39 पे पारी खत्म यार, इस ओवर में तो सिर्फ 2 रन ही ले पाए, यहाँ तक कि भाई स्ट्रोक खेलने का भी मौका नहीं। चलो और तो क्या हो सकता है, अभी 40 रन चाहिए यहाँ पे सैयद भाई को, जो मुझे लगता है वो आराम से कर ही लेंगे, पर देखते हैं चलो कहाँ तक का हम इनको रोक सकते हैं। पहला ओवर, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 2 रन जाएगा, अश्विन है अपने पास, यहाँ पे भी ये 2 रन ले ही लेंगे, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी। 4 रन 0 विकेट। चलो ये गेंद खाली, ये सही हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉल पे कौन सा शॉट लेते हैं। अरे वाह मस्त खेला है भाई, एकदम मस्त। 2 रन यहाँ पे भी ले लेंगे, तो 6 रन 0 विकेट। अगला गेंद, यहाँ पे तो चौका जाएगा, फील्डर जो है वो 166 के शॉट पे नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पे। देखते हैं अब नेक्स्ट बॉल। ओवर का आखिरी गेंद है और यहाँ पे भी ये 2 रन ले लेंगे, तो मतलब पहली ओवर में इन्होंने निकाले 12 रन। काफ़ी अच्छी रन रेट से खेला है और टारगेट इतना कुछ हेवी है नहीं, हमें बस डिफेंड करने की कोशिश करनी है अगर यहाँ पे गेंद बल्लेबाजी पे चूकते हैं तो। देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है। रशीद खान है अपने पास, पहले गेंद पे बचे, अब देखते हैं दूसरे गेंद पे क्या होता है। ये बढ़िया शॉट, जबरदस्त खेला, 2 रन ले लिए। देखते हैं अब अगले गेंद पे क्या होता है। अरे वाह ये शॉट खेलने की कोशिश से अगर लग जाता ना तो भाई ये बाहर ही होता है गेंद। अरे भाई साहब खेला है भाई, जबरदस्त खेला है, दूसरी गेंद पे इसी शॉट के साथ। उस शॉट को तो भाई क्या ही खेला है इसने, वाह ये भी मस्त खेला है। ये भी 4 रन जाएगा, 24 पे पहुँचे, 1 ओवर 5 गेंद 24 रन 0 विकेट। यहाँ पे भी मस्त तरीके से खेल दिया, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हैं यहाँ पे। ये शॉट यहाँ पे हमें अच्छे से देखने को मिला कि भाई किस तरह से शॉट कनेक्ट होता है। अब फर्ग्यूसन को लेके जाएंगे हम। यहाँ पे कितने रन लेंगे, 2 रन लेंगे, 30 रन पे पहुँचेंगे, 2 ओवर 1 गेंद 30 रन 0 विकेट। अब इनको सिर्फ 10 रन चाहिए, क्या लगता है हो पाएंगे इतने रन यहाँ पे। हो पाएंगे मतलब हम एक आध विकेट भी ले पाएंगे, क्योंकि 10 तो मार ही देंगे। अब चलो देखते आगे, 2 ओवर 2 गेंदे 32 रन 0 विकेट। योकर हम डाल रहे हैं पर ये बेहतरीन शॉट खेल के डिफेंड करके 2 रन निकाल रहे हैं। 34 पे पहुँचे, 2 ओवर 3 गेंद
अब सिर्फ इनको चाहिए 6 रन। यहाँ पे भी ये 2 रन निकाल ही लेंगे, 36 पे पहुँचेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहा है। मस्त खेला है भाई। ये जाएगा 4 रन के लिए और इसी के साथ इनिंग को करेंगे समाप्त। तो यहाँ पे भाई 5 विकेट से सैयद भाई जीत चुके हैं।